दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ किया और उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो किया और विद इन 7 वर्किंग डेज मेरा पीएफ का पैसा, मेरा पीएफ का अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब ये जो अमाउंट मेरा क्रेडिट हुआ, इसमें मेरे पीएफ का बैलेंस, मेरा पेंशन का बैलेंस बिना किसी टीडीएस के मुझे पूरा का पूरा 100% रिसीव हुआ। तो मैंने क्या एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पीएफ विड्रॉल को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, क्या पीएफ के बैलेंस के साथ साथ पेंशन का बैलेंस भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने दिनों में आपको मिलेगा और क्या इस पे कोई टीडीएस तो नहीं कटेगा, तो इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में आपके एड्रेस होने वाले हैं। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें मैंने अपना पर्सनल केस आपको बताया हुआ है और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि 7 वर्किंग डेज में मेरा पीएफ का पैसा पेंशन का पैसे के साथ बिना टीडीएस के मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी इनकम टैक्स, जीएसटी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको पीएफ विड्रॉवल। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा यूनिफाइड पोर्टल का, जो कि ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से आप अपना पीएफ विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का एक ऑफिशियल पोर्टल है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है और लॉगिन के लिए आपको यूएन नंबर और अपने पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने अपना यूएन नंबर अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक एक्टिवेट यूएन करके लिंक मिलता है। इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले अपने यूएन को आपको एक्टिवेट करना होता है और अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। अब बात आती है कि सर यूएन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है उसके ऊपर जनरली यूएन नंबर लिखा होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक सैलरी स्लिप है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूएन नंबर यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो सैलरी स्लिप से आप आसानी से अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए लॉगिन ईपीएफओ पोर्टल पे। तो यहाँ पे एंटर कर दिया यूएन, पासवर्ड डाल दिया और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको डालना है। अब यहाँ पर ई नॉमिनेशन की बात कर रहा है तो अभी हम इसे लेटर कर देते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो गए। तो यहां से आप देख सकते हैं आपका यूएन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये एक बार इंश्योर करना है कि आपकी जितनी भी केवाईसीज हैं वो आपकी अपडेट होनी चाहिए इस ईपीएफओ पोर्टल पे। तो आपका जो आधार नंबर है वो वेरीफाइड दिखना चाहिए, ऐसे ही आपका पैन नंबर भी वेरीफाइड दिखना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी यहां पर क्लियरली मेंशन आपको दिखना चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी आपकी केवाईसी अगर अपडेटेड नहीं है तो पहले आपको इस केवाईसी को अपडेट कराना होगा और उसके लिए आपको संपर्क करना होगा अपने एम्प्लॉयर से। और सपोज अगर आप अपने एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो उस केस में आपको पीएफ डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना होगा और अपने इन केवाईसी को अपडेट कराना होगा, क्योंकि इन केवाईसी को अपडेट किए बिना प्रोसेस करते हैं तो पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि पहले आप अपनी ये केवाईसी जो है अपडेट करवा लें। अब पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी कितना पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे व्यू में, तो यहाँ पे आपको पासबुक का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप पासबुक पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग वेबसाइट पर लेके जाएगा आपको और यहाँ पे अगेन आपको अपने यूएन के बेसिस पे लॉग इन करना होगा और यहाँ पे फिर आपको अपना लेटेस्ट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना होगा, देन व्यू पासबुक। तो यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस दिख जाएगा कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है और टोटल पीएफ का बैलेंस है 1,77,850 रुपीस का। और इसके अलावा यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा भी आपको दिखेगा, 37,988 का पेंशन का पैसा है। तो जब भी हम पीएफ विड्रॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर पेंशन का भी इंक्लूड होता है। तो जो आपका पीएफ कटता है वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है, उसका एक मेजर पोर्शन होता है पीएफ और उसमें से कुछ पोर्शन आपका पेंशन में कंट्रीब्यूट होता है। तो आप पीएफ का भी विड्रॉल कर सकते हैं और पेंशन का भी विड्रॉल कर सकते हैं, बट यहां पर एक छोटा सा कैच है। अब कैच ये है कि पेंशन का पैसा आप तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 6 महीने जॉब किया हो और आपका जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट 6 महीने से कम का है तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी जितने भी आपने एम्प्लॉयर्स को सर्व किया है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट अगर आपका 10 साल से ज्यादा है तो भी आप अपने पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस में आपको पेंशन का जो ये पैसा है ये पेंशन के रूप में मिलेगा जब आप एक स्पेसिफाइड एज अटेंड कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने से कम आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए
और 10 साल से ज्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए तो ही आप अपने इस पेंशन के पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। तो यहां से हमने ये चेक कर लिया कि हमारा पीएफ का कितना बैलेंस है और हमारे पेंशन का। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में जॉब किया है तो आपको आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसका जो पीएफ का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है करंट एम्प्लॉयर के पीएफ में, उसके बाद ही आपको ये विड्रॉल का क्लेम करना है। उसके पहले अगर आप क्लेम करेंगे तो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो पीएफ का बैलेंस है उसको निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो पीएफ का पोर्टल है ये केवल करंट एम्प्लॉयर का जो पीएफ का बैलेंस है उसके हिसाब से वर्क करता है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने ईपीएफओ पोर्टल पे। अब पीएफ का अमाउंट क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चार फॉर्म दिख रहे हैं, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C एंड 10D। तो ये चारों फॉर्म के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर्म 31 आपका एडवांस पीएफ के लिए रहता है, यानी अगर आप जॉब में कंटिन्यू है और आप किसी पर्पस के लिए, सपोज मैरिज के लिए या घर खरीदने के लिए अगर पीएफ का विड्रॉ कर रहे हैं तो इसे एडवांस पीएफ बोलते हैं, उस केस में आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है। अगर आपका जॉब टर्मिनेट हो चुका है, यानी आपने किसी रीजन से जॉब छोड़ दिया है, उस केस में अगर आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 19 भरना होता है। फॉर्म 10C होता है पेंशन के विड्रॉल के लिए, यानी अगर आपका जो जॉब है वो 6 महीने से ज्यादा है पर 10 साल से कम है और उस केस में आप पेंशन का विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको 10C भरना होता है। और ऐसे ही अगर 10 साल से ज्यादा अगर आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है उस केस में आपको पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है तो वो आप अपना रिटायरमेंट की एज अटेंड करने के बाद कर सकते हैं, उस केस में आपको फॉर्म 10D भरना होता है। तो आज का ये जो हमारा केस है ये एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन का है, यानी एम्प्लॉई ने अपना जॉब छोड़ दिया है, उसने 4 साल 4.5 साल जॉब किया है तो इस वजह से वो पीएफ भी विड्रॉ कर रहा है और साथ ही साथ में अपना पेंशन भी विड्रॉ कर पा रहा है क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो चुका है और 10 साल से कम है। तो हमारे लिए जो रिलेवेंट फॉर्म है वो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C रहेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, बट उसके पहले भी आपको ये चेक करना होता है कि आपका यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट जो है वो मेंशन होना चाहिए। तो DOJ का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और DOE का मतलब होता है डेट ऑफ एग्जिट। तो आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू है, यानी अभी आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में आप एडवांस में पीएफ निकाल सकते हैं, पर उसके लिए डिफरेंट फॉर्म है, फॉर्म 31 जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेरे केस में यहाँ पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो जुलाई 2016 है और डेट ऑफ एग्जिट है वो है जनवरी 2019। यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग भी आपको दिख जाएगा, सीजेशन यानी शॉर्ट नोटिस, यानी कि एम्प्लॉय ने अपनी मर्जी से जॉब को क्विट कर दिया है। अब यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट को इंश्योर करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करना होता है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर की लास्ट 4 डिजिट डालनी है। आप यहाँ पे आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है कि आपको बैंक अकाउंट नंबर 2 बार चेक कर लेना है, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आना है। क्योंकि सपोज अगर आप यहाँ पर गलत अकाउंट नंबर डाल देते हैं और पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है तो फिर उसको रिकवर करने में आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है और शायद ये भी हो सकता है कि आप ये पैसा रिकवर ही ना कर पाए। तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है ये बैंक अकाउंट नंबर की डिजिट्स डालने में। तो जो बैंक अकाउंट नंबर आपका अपडेटेड है उसकी लास्ट की 4 डिजिट्स यहाँ पर नहीं लिखी होंगी, वो आपको यहाँ पर लिखकर वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर पीएफ डिपार्टमेंट आपसे कंफर्म करता है कि ये वही बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पीएफ का पैसा क्रेडिट होने वाला है, इसमें आपको इंश्योर करके यस पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर ये ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट नंबर अपडेटेड है यहां पर उसकी सही डिजिट्स आपने यहां पर एंटर कर दी है। इतना करने के बाद यहां पे आपको बॉटम में एक टैब मिलेगा प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अगेन आपकी डिटेल सारी आपको मेंशन दिख जाएंगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका पैन नंबर सही अपडेटेड है, क्योंकि अगर आपका पैन नंबर यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो उस केस में आपका 30% तक TDS कट जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका पैन नंबर यहाँ पर अपडेटेड हो। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग या डेट ऑफ एग्जिट, ये सब कुछ आ रहा है। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर में यहाँ पर आपको देखो 2 फॉर्म दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्म 19 जो है वो आपके पीएफ विड्रॉल का है और फॉर्म 10C जो कि पेंशन विड्रॉल का है। अब ये दोनों फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ते हैं, यानी ये जो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं ये आपको 2 बार करनी है, एक बार आपको पीएफ विड्रॉल के लिए करनी है और सेम प्रोसेस फिर आपको एक बार आपके पेंशन विड्रॉल के लिए करनी है। हालांकि यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो सके, बट अभी तक ऐसा नहीं है तो आपको ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा। तो चलिए पहले प्रोसीड करते हैं फॉर्म 19 पर।
तो जैसे ही फॉर्म 19 पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 रुपी से ऊपर है तो फिर उस केस में आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। सपोज आप पीएफ का पैसा 1,00,000 रुपए विड्रॉ करते हैं तो उस केस में पीएफ डिपार्टमेंट आपका 10% टीडीएस काट लेगा और आपको केवल 90,000 देगा। तो ये जो आपका टीडीएस कटा है 10,000 का, वो अभी आपको नहीं मिलेगा, वो बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। और अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे, यानी अगर आपका इनकम होगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका टीडीएस रिफंड बनता है तो फिर आपको वहां से रिफंड लेना पड़ेगा। बट टीडीएस कटने से बचाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, यहां पर आप फॉर्म 15G अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 15G क्या होता है, एक डिक्लेरेशन होता है कि सर मेरी जो एनुअल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए। तो ये फॉर्म 15G आपको भरना पड़ता है फिजिकली और उसको फिर स्कैन करके यहां पर अपलोड करना होता है। तो अभी मैंने ये जो फॉर्म 15G है वो भर के और स्कैन करके रखा हुआ है और मैं उसे यहां पर अपलोड कर दूंगा ताकि मेरा टीडीएस नहीं कटे और जितना भी मैं यहां पर पीएफ विड्रॉ कर रहा हूं वो पूरा का पूरा 100% मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म 15G क्या है। ऐसे ही अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको फॉर्म 15G की जगह फॉर्म 15H भरना होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट का ये फॉर्म 15G मैंने यहां पर डाउनलोड करके और उसे मैनुअली पूरा फिल किया हुआ है और फिल करने के बाद उसको स्कैन करा के रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर फॉर्म 15G चूज फाइल करके उस फाइल को यहां पर अपलोड कर देना है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो आपका 15G स्कैन होना चाहिए केवल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर ये पीडीएफ के अलावा किसी और फॉर्मेट में है, जैसे कि वो इमेज के फॉर्मेट में है, तो यहां पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद यहां पर आपको एम्प्लॉय का एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है और इसका मतलब है कि आप आधार क्रेडेंशियल से अप्लाई कर रहे हैं और ये साथ ही साथ सर्टिफाइड भी कर रहे हैं कि जो भी डेटा आपने दिया हुआ है ये करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसकी लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं, लास्ट 4 डिजिट्स आपको दिख रही होंगी, इस पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। OTP ध्यान से भरने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो जो हमारा PF का क्लेम है वो हम सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं, यहाँ पर हम क्लिक करके PDF व्यू कर लेते हैं। तो जो हमने फॉर्म अभी ऑनलाइन अप्लाई किया है ये पूरा PDF में आप देख सकते हैं, PF फाइनल सेटलमेंट के लिए हमने अप्लाई किया है, नाम और ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे नीचे, आपका पूरा डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, IFC कोड, ये सब कुछ आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे आप सेव करके रख लीजिए। आप ट्रेक क्लेम स्टेटस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्म 19 हमने 12 अगस्त को 10:01 पे सबमिट किया है, तो ये हमारा करंट अभी स्टेटस है। अब ये स्टेटस आपका जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे ये प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे इसका स्टेटस चेंज होता जाएगा। तो अच्छा, अभी हमने जो क्लेम किया है केवल पीएफ को क्लेम किया है, अभी हमें पेंशन को भी क्लेम करना बाकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सेम प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा, तो अब सेकेंड टाइम हम प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई कराना होगा। तो इस बार हम फॉर्म 10C भरने वाले हैं और एक बार फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होगा, लास्ट की 4 डिजिट वेरीफाई करना होगा। यस पे क्लिक करेंगे, ग्रीन टिक आ जाएगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे और इस बार हम क्लेम ऑप्शन में 10C सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हम पेंशन का विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद अगेन सेम एम्प्लॉय एड्रेस हम यहां पर फिल कर देंगे। एड्रेस आपका पूरा फिल करने के बाद यहां पर आपको टिक करना है, उसके बाद गेट आधार OTP पे अगेन क्लिक करना है। अगेन आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, तो वो जो OTP आया है उसको सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये साइट थोड़ा स्लो काम करता है तो आपको यहाँ पर वेट करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दी नहीं करना है और कुछ भी बैक स्पेस या रिफ्रेश क्लिक नहीं करना है क्योंकि उस केस में फिर आपको प्रोसेस वापस से करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब अगेन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर
ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहां से आप ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में देख सकते हैं कि 12 अगस्त 2019 को हमने 10:01 पर फॉर्म 19 भरा है, जिसमें हमने पीएफ का अपना विड्रॉल क्लेम किया है। और इसी तरीके से सेम डे 12 अगस्त को 10:09 पे हमने फॉर्म 10C भरा है, जिसमें हमने पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए क्लेम किया हुआ है। अब ये जो करंट स्टेटस है, ये ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट द पोर्टल है। अब इसे पीएफ डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा और 7 से 10 दिनों के अंदर जो भी टाइम लगता है उसमें ये जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगा, जो कि हमने यहाँ पर इन दोनों फॉर्म के टाइम पर मेंशन किया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया है, अब इस वीडियो को मैं अभी अपलोड नहीं करूँ, अब मैं वेट करूंगा 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन भी लगते हैं ये दोनों पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने में। और जिस दिन मेरा ये पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उस दिन मैं इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करूंगा और इसी वीडियो के साथ मर्ज करके आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इस तरीके से जो है प्रोसेस किया, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C ऑनलाइन भरा और उसके बाद 7 दिन या 10 दिन या जितने भी दिन लगे उतने दिन में मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। और वो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ऑनलाइन अच्छे से इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने लॉगिन कर लिया है ईपीएफओ पोर्टल पर। यहां पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप देख सकेंगे कि हमने फॉर्म 10C और फॉर्म 19 के जरिए 12 अगस्त को अप्लाई किया था और 13 अगस्त को ये सेंड टू फील्ड ऑफिस भेज दिया गया था और अभी इसका जो करंट स्टेटस आ रहा है वो सेटल्ड आ रहा है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि कौन सी डेट पर ये सेटलमेंट हुआ है और कौन सी डेट पर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अब सेटलमेंट देखने के लिए आपको यहां पर जाना है व्यू में और क्लिक करना है पासबुक पर। तो ये आपको passbook.epfindia.gov.in पे लेके जाएगा और यहां पे भी आपको आपके यूएन से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर जैसा कि मैंने बताया जो सबसे लास्ट वाला होता है वो लेटेस्ट आपका एम्प्लॉयर होता है, यहां पर क्लिक करना है और व्यू क्लेम स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहां से हम देखें तो इनको जो क्लेम रिसीव हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त को हमने अप्लाई किया था, 13 अगस्त को क्लेम इनको रिसीव हुआ जैसा कि हमने देखा था वहां पर सेंड टू फील्ड ऑफिस और 21 अगस्त को इन्होंने ये क्लेम सेटल कर दिया और जो सेटलमेंट किया वो पेमेंट सेंट वाया एनएफटी 21 अगस्त 2019 को इन्होंने एनएफटी के जरिए क्लेम सेटल कर दिया। तो ये जो सेटलमेंट है ये फॉर्म 10C का सेटलमेंट है, यानी कि पेंशन का सेटलमेंट है। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे फॉर्म 19 का भी सेटलमेंट दिखेगा। ये वाला जो क्लेम है ये भी 13 अगस्त 2019 को मिला था और इसमें हमने फॉर्म 19 के जरिए पीएफ का बैलेंस क्लेम किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटस भी आपका सेटल्ड आ रहा है और ये जो सेटल किया गया है ये भी एनएफटी के जरिए सेटल किया गया है 19 अगस्त 2019 को, यहाँ पे आपको डेट दिख रही है। तो 19 अगस्त 2019 को मेरा पीएफ का बैलेंस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया और इसी तरीके से 21 अगस्त को ठीक 2 दिन बाद मेरे पेंशन का पैसा भी 57,177 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो जिस बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है उसका भी स्टेटमेंट खोल के मैं आपको चेक करा देता हूं। तो मैंने लॉग इन कर लिया है पीएनबी नेट बैंकिंग में जहां पर मुझे ये पीएफ का पैसा रिसीव हुआ है और यहां पर हम अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में हमने जो डेट डाल दी वो पिछले महीने की डाल दी और यहां से हमने सर्च कर लिया क्योंकि अगस्त के महीने में हमें तो यहां पे देखेंगे तो अगस्त में केवल 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं इस बैंकिंग में। एक ट्रांजेक्शन तो मेरा होम लोन का जो ईएमआई है उसके डेबिट का है और इसके अलावा 2 मुझे क्रेडिट आए हैं। एक क्रेडिट आया है 1,95,862 का जो कि मुझे पीएफ का पैसा आया है और ये आया है मुझे 20 तारीख को और इस तरीके से 22 तारीख को मुझे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से एक और पैसा आया 57,177 का और ये अमाउंट है पेंशन का। अब यहां से मैं आपको अमाउंट भी टैली करके दिखा देता हूं 195,862 पीएफ। तो हम अगर पीएफ का हमारा जो विड्रॉवल हुआ है ये क्लेम इसका हम टोटल लगाते हैं एम्प्लॉय शेयर का और एम्प्लॉयर के शेयर का तो ये है 136,494 प्लस 59,368 ये होता है 195,862 और यही अमाउंट मुझे 195,862 का क्रेडिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा टीडीएस नहीं कटा है। जनरली अगर आपका पीएफ का बैलेंस 50,000 से ऊपर का होता है और आप विड्रॉ करते हैं तो आपका 10% टीडीएस कटता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने फॉर्म 15G फिलअप किया था तो उस वजह से मेरा यहां पर टीडीएस नहीं कटा है। तो फॉर्म 15G आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से आप फॉर्म 15G डाउनलोड करें, उसे प्रॉपरली फिल करें और पीएफ के विड्रॉल प्रोसेस के समय उसे प्रॉपर प्लेस पर अपलोड करें ताकि आपका भी टीडीएस नहीं कटे। आपको यह प्रोसेस बड़ी ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है।
आई होप कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसी प्रकार के वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।